दुनिया भर में अब तक कम से कम 40,000 लोगों की मौत टाइगर के हमले से हो चुकी है। देखा जाए तो टाइगर्स के पास खाने के लिए जानवरों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि टाइगर्स अपनी नेचुरल डाइट को छोड़कर आदमखोर बन जाते हैं। ऐसी ही एक बंगाल टाइग्रेस थी जिसने तबाही मचाने की सारी हदें पार कर दी थी। इस बाघिन ने नेपाल और कुमाऊं में 436 लोगों की जान ली थी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई टाइगर के हमले से हुई सबसे ज्यादा मौत है। इस टाइगर को चंपावत टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसके शिकार ज्यादातर औरतें और बच्चे होते थे। इस बाघिन के डर से वहाँ के इलाके सुनसान होते जा रहे थे क्योंकि वहाँ के लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। इस बाघिन के दहाड़ से पूरा कुमाऊं जिला कांपता था। सन 1907 में जिम कॉर्बेट नाम के एक शिकारी ने इस मैन ईटर टाइगर को मार गिराया था और उन्हीं के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करके